देखो इधर एक छोटा सा तालाब आपको देखने को मिलेगा, इसका जो सुंदरता ना बहुत ही। अभी और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल करके भी देखते हैं कि ऊपर और जाने से कैसा कुछ हम लोग को नजारा मिल। बिल्कुल प्रकृति की जो सुंदरता है ना वो एक अलग ही एकदम लेवल पर यहाँ हुआ है जो भी रहे होंगे उस समय में, और 1510 ईस्वी के आसपास में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आपको भाई ऋषभ आया हुआ बाढ़ के मोहम्मदपुर में, और मोहम्मदपुर गांव में आज मैं आपको यहां की जो खूबसूरती है ना, जो कहते हैं नेचर्स ब्यूटी, आज वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ का जो भी जंगल है, और साथ में यहाँ पर एक छोटी सी झील है, आप तालाब भी कह सकते हो, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा फिलहाल यहाँ पर देखने से लग रहा है। तो इन सब चीज़ों की सुंदरता को जो है मैं आज आप लोग के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए अगर फिर से आपको भाई ऋषभ आपके साथ, तो चलिए करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए साथ में फिलहाल सचिन है, और अभी इसके घर आया हुआ था तो अभी निकले हैं हम लोग थोड़ा सा टहलने के लिए इधर ही गांव में। तो साथ में सचिन है, और आप पीछे का व्यू देखोगे तो आप ये वाला सीन देखो, इधर एक छोटा सा तालाब आपको देखने को मिलेगा, इसका जो सुंदरता ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली मुझे कोई आइडिया नहीं था इधर का, सचिन ने कहा कि चलो उधर भी थोड़ा सा तालाब वगैरह है, थोड़ा सा सीन ले लेते, थोड़ा सा घूमते हैं। तो आप देख सकते हो पीछे के जो खास कर जो तालाब वाला सीन है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चारों तरफ का व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा, और आप पीछे भी देखोगे तो काफ़ी एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान जैसा है, और एकदम शांति है ना जो बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल चलिए आपको थोड़ा सा जंगल का सीन दिखाते हैं, और इस तालाब के भी थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ यहाँ पर है, कि यहाँ पर दरगाह भी है, वहाँ भी हम लोग चलने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको पूरा एरिया को अच्छे से घुमाते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोग को एक जगह पर लेकर के चलता हूँ जो कि थोड़ा सा ऊंचा है वो जगह, और तार के ना यहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं, मैं भी आपको उसके सीन दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर एक ऊंचाई जो है ना, ऊंचा वाला सरफेस बहुत ज्यादा है, आप पीछे देखोगे तो आपको तालाब का भी व्यू दिख रहा होगा, और इधर देखोगे तो पूरा चारों तरफ देखो तो तार के बहुत सारे पेड़ भरे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अभी और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल करके भी देखते हैं कि ऊपर और जाने से कैसा कुछ हम लोग को नज़ारा मिलता है। तो यहाँ पर हालांकि एक चीज़ है कि इन सब जगहों पर आने से क्या होता है ना, कि शांति जो बहुत ज़्यादा मिलती है, प्लस जो नेचर की सुंदरता है वो थोड़ी अलग लेवल की मिलती है। आप देखोगे तो चारों तरफ आपको ये जंगल, सारे जो तार के पेड़ है वो दिख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जंगल की ओर, जंगल को देख लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर दरगाह है उसके अंदर चलते हैं, और उसका भी जो सारा सीन है अंदर से आपको दिखाते हैं। गाइस आप सामने देख रहे हो वो वाला सारा एरिया, तो उधर पे जो है काफी सारे चिमनीज हैं, और ईटा जो है ना मेनली यहाँ पर बनाया जाता है, और यहाँ से जो पूरा एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे बाढ़ में हमारे चौथ। ये तो हो गया तालाब का भी, और उधर उसके थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको एक टावर भी दिख रहा होगा, और सारा जो ईटा जो है ना सारा इधर बनता है, तो बहुत सारा चिमनी भी आपको इधर मिल जाएगा। और ये वाला एरिया देखोगे तो एक छोटा सा एक ग्राउंड जैसा सरफेस है। तो अब हम लोग चलेंगे आपको उधर की ओर, और अभी देखो सचिन है तो उधर हम लोग चलते हैं जंगल की ओर, और जंगल से थोड़ा सा जो है सीन ले लेते हैं, और उसके बाद दरगाह भी चलते हैं हम लोग। सो गाइस ये देखिएगा तो आपको ये चारों तरफ जो है वो पूरा जंगल आपको देखने को मिलेगा, ऐसा तरीके का एक बिल्कुल प्रकृति की जो सुंदरता है ना वो एक अलग ही एकदम लेवल पर यहाँ पर एक समाहित जैसा आपको लगता है। अभी हम लोग और आगे चलेंगे और जो भी व्यू है ना वो दिखाएंगे। आप देखोगे तो चारों तरफ इस तरह का जो जंगल है मिलेगा, और उधर जो आपको बाउंड्रीज दिख रहा है ना उसके अंदर में दरगाह है, तो अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा दरगाह में, और मैंने आपको जंगल के शॉट्स दिखाए थे, अभी हम लोग चलते हैं दरगाह, और उसके बाद जो भी अंदर का सीन होगा ना वो दिखाएंगे। हालांकि बहुत पहले एक बार मैं यहाँ का दरगाह आया था, उसका भी एक ब्लॉग बहुत पहले मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ, आप चाहो तो वो भी स्क्रॉल करके देख सकते हो, बट ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत पहले का वीडियो है। अभी चलते हैं अंदर, और भी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा पहले के कंपैरिजन में। तो अभी चलते हैं हम लोग दरगाह, पीछे देखोगे तो ये दरगाह की बाउंड्री है और इसके अंदर में ही दरगाह है। तो अभी हम लोग चलते हैं दरगाह के अंदर, और जो भी अंदर का सुंदरता होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। चलते हैं अंदर। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं दरगाह, आप देख सकते हैं ये इसका मेन गेट है, और इस दरगाह का नाम है
हजरत शाह चांद हकानी, हजरत चांद शाह हकानी ये दरगाह का नाम है। फिलहाल अभी हम इसे अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका कुछ बाहर का नज़ारा है और इसमें लिखा गया कि स्थापित 1510 ईस्वी, मतलब अराउंड कह सकते हैं कि 500-600 साल के नियर अबाउट इसका जो समय हो चुका है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके के अंदर के हम लोग को नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग हैं इस दरगाह के अंदर में और इसके काफ़ी सारे शॉट्स फिलहाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि जो अंदर का पूरा माहौल अगर कहेंगे तो बहुत ही, मतलब चारों तरफ कह सकते हैं खंडहर जैसा है। आप पीछे देखोगे नीचे तो बहुत सारा जो है यहाँ पर समाधि, काफ़ी सारे जो है लोगों का वो लगा हुआ है जो भी रहे होंगे उस समय में। और 1510 ईस्वी के आसपास में इस मस्जिद का जो है वो, मतलब दरगाह को बनवाया गया था। और ऐसा ही कुछ है, आप देखोगे तो चारों तरफ एकदम आपको एक खंडहर जैसा थोड़ा सा नज़ारा आपको लगेगा यहाँ का। बाकी मैं कुछ शॉट्स आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो फिलहाल चलिए कुछ शॉट्स आपको हम लोग इस दरगाह का दिखा देते हैं। तो ये कुछ देखिएगा, तो यहाँ पे एक घर जैसा भी है फिलहाल और यहाँ पे सुनते कि जो पहरेदारी करते वो रहते हैं। और ये कुछ चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं फिलहाल। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग दरगाह से बाहर निकल चुके हैं और आपको जो है मैं जो यहाँ का थोड़ा सा बाहर का भी कुछ नज़ारा फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ है बाहर से। तो आप देखोगे तो बाहर से ये कुछ नज़ारा है। एक ये थोड़ा सा सड़क है जो आगे निकलता है, इसको जो मेन रास्ते से कनेक्ट करता है मासूमगंज वाले, ये रास्ता आगे जाके बिसहरी स्थान को मिलता है। और इधर देखोगे तो एक छोटा सा ग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खासकर सामने खेलते उलते भी हैं, क्रिकेट वगैरह मैंने भी बहुत पहले ऐसे थोड़ा बहुत खेला हुआ भी है। तो आप ये कुछ आप नज़ारे जो है फिलहाल देख सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड और मिलते हैं आप लोग के साथ जल्द ही एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो कर दीजिए। आपको स्क्रीन पर जो है मेरा पेज का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी फॉलो करिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे जो मैं अपडेट्स हैं वो देते रहता हूं। साथ ही यूट्यूब पर भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप लगातार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसके अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपके साथ जल्द एक नया ब्लॉग में।